नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक नए वाले साथ फिर से आ गए हूँ। तो दोस्तों आज ये बोर्ड को दोस्तों कंप्लीट में बनाऊंगा और वायरिंग के साथ पूरा डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, और कुछ अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि मतलब जो है आप कैसे एक्सटेंशन बना सकते हो। तो ये दोस्तों ये बोर्ड में बनाऊंगा और इसको आप एक्सटेंशन बोर्ड भी आप मान सकते हो, क्योंकि जैसे बनेगा दोस्तों तो वो आप एक्सटेंशन बोर्ड में भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो बने रहें, तो चलिए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये तो दोस्तों प्लास्टिक में पैक है, तो इसको पहले हटा कर देते हैं। और दोस्तों आपको दोस्तों बाज़ार में जो है उपलब्ध हो जाएगा। और एक बात तो मैं ज़रूर बताऊंगा दोस्तों, जो आप जनरल एक्सटेंशन बोर्ड लेते हो उससे जनरल क्या जो भी एक्सटेंशन बोर्ड है दोस्तों, आई थिंक ये उससे थोड़ा बेहतर है, ये बात तो मानना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों अगर आप एक्सटेंशन बोर्ड ले रहे हो तो उससे अच्छा तो मेरे ख्याल से ये ले लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये फिक्स हो जाएगा, अच्छा रहेगा, जहाँ मन तहाँ लेके जा सकते हो। उसमें क्या है दोस्तों, को एक्सटेंशन बोर्ड का स्विच ख़राब हो जाएगा दोस्तों, तो उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा, मिस्त्री पास लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो दोस्तों आप जो है खुद से ऐसे जो है आप ये एक्सटेंशन बोर्ड घर में बना सकते हो, आप कोई दिक्कत है नहीं, एकदम सिंपल है, कुछ है भी नहीं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो समझ में आ जाएगा क्या नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों ये कटिंग है दोस्तों, ये जो है ना 5 पिन सॉकेट का, इसका दोस्तों ये कटिंग है, ये तो लगेगा नहीं, तो इसका कटिंग है, तो दोस्तों इसको काटना पड़ेगा। तो काटना क्या पड़ेगा दोस्तों, ये कटिंग है, तो बस इसको प्लास से दोस्तों थोड़ा सा तो दोस्तों फिलहाल मैं जो है दोस्तों इसका जो है दोस्तों ये घाट जो है काट दिया है। तो दोस्तों अब क्या करना है दोस्तों, इसको सेट करना है। तो दोस्तों सबसे पहला ये कर देख लो दोस्तों कि ये ऊपर रहेगा ना दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये ऊपर रहेगा, तो इसका जो एंकर लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये इसका ऊपर मुड़ रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। तो ये लो मैं करता हूँ, फाइनली ये जो है इसमें नट डाल दिए हैं दोस्तों सब में। अब इसको टाइट कर देते हैं, सारा में करके दोस्तों ही नट टाइट करें, ताकि आपका जो है समय का थोड़ा सा बचत होगा इसमें। और ये दोस्तों एक तरह से एक्सटेंशन बोर्ड भी काफ़ी बेहतर बन जाता है दोस्तों, इसमें आप आराम से आयरन वगैरह यूज कर सकते हैं, प्रेस करने वाला आयरन सब भी, कोई दिक्कत होगा नहीं। और दोस्तों ये सेफ्टी भी होता है दोस्तों, एंकर का है और बेहतर है। इस समय कोशिश करें कि जो सर मतलब लोकल स्विच वगैरह सब जो होता है वो यूज मत कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये जो है फिलहाल वायरिंग, तो दोस्तों ये फिट तो कर दिए दोस्तों, अब वायरिंग करना होगा दोस्तों। तो वायरिंग कैसे करें ये भी सर दोस्तों देखिए इस वीडियो में। तो दोस्तों करना क्या दोस्तों, देखिए ये इस स्विच से जो दोस्तों इसमें लाइन जाएगा, इस स्विच से इसमें लाइन जाएगा, इसको ऑन करेंगे तो इसमें करंट आएगा, लाइन आएगा, इसको ऑन करेंगे तो इसमें करंट आएगा। तो दोस्तों तो सबसे पहले सबका जो है दोस्तों नट को जो है ढीला कर देते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये तो हो गया है। अब दोस्तों इसका वायरिंग भी जब भी करें दोस्तों तो थोड़ा मल्टी स्टैंड तार से ही करें दोस्तों, वो ज़्यादा बेहतर होता है, मजबूत काफ़ी होता है, ये कॉपर का होता है। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे फर्स्ट देखिए आपको पता है दोस्तों कि जो भी 5 पिन सॉकेट है दोस्तों इसमें जो भी प्लग जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट का जो भी प्लग जाएगा दोस्तों, प्लग लगाइएगा कुछ भी लगाइएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से ही होगा जो लाइन से चलता हो। तो दोस्तों इसमें कब लाइन आएगा दोस्तों, जब इसमें ठंडा गर्म यानी कि फेज और न्यूट्रल मिलेगा, एक तरफ फेज एक तरफ न्यूट्रल, जिधर भी मिले एक मतलब दोनों मिलना चाहिए, तो ही आपका ये काम करेगा।
तो करना क्या दोस्तों, देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ तक जो दोस्तों यहाँ तक छील लेना है ताड़, यहाँ तक है, तो हम कटर का सहायता से छील लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ताड़ को तो छील लिया है, देखिए दोस्तों ये मैंने हो गया है इसका, ये अब यहाँ तक तो नट लिए हो जाएगा ये, अब इसका नट तो ढीला है, देखिए दोस्तों ये जो है एक ये दोनों तार आ गया दोस्तों। आप दोस्तों देखिए ये जो है मेन एक तार निकल गया, ये जो दोस्तों ये एक मेन तार निकल गया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ तक जैसे इसको काट लेते हैं, थोड़ा इतना दूर तक काट लेते हैं, इसमें दोस्तों मेन तार जुटेगा। अब क्या करना है दोस्तों, अब जो है अब इसमें से जो दोस्तों एक इसमें तार जो है लेके ये ज्वाइंट हो गया दोस्तों। अब इधर से जो है इधर से दोस्तों इधर से लाके और इधर तक नाप के जो है इसमें भी जो है कर देते हैं, तो इसको थोड़ा छील लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका ये जो है मैंने कर दिया है। अब दोस्तों देखिए ये भी जो है आपका आपका ये भी एक तरह से जो है आपका मेन तार यहाँ से भी निकल गया दोस्तों, ये दोनों मेन तार निकल गया है। अब देखिए दोस्तों एक तो इसमें आ ही गया डायरेक्ट मेन तार, एक इसमें आ गया है। अब एक क्या करना है दोस्तों, अब दोनों में स्विचिंग करना है, तो स्विचिंग करने के लिए दोस्तों ये तार काट लेना है नाप के दोगा। देखिए दोस्तों इसमें वायरिंग में कुछ है दोस्तों, कुछ होता नहीं है, जो आप लोगों को थोड़ा सा लगे कि नहीं थोड़ा टफ है ये, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो दोस्तों खुद से आप रिपेयर कर सकते हैं या खुद से बना सकते हैं घर पे एक्सटेंशन बोर्ड। और दोस्तों जो भी बोर्ड का रिलेटेड मतलब वायरिंग सब है दोस्तों वो इस वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, तो जाके वॉच कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों और इसका देखिए दोस्तों ये हो गया इसका स्विचिंग और इसका स्विचिंग दोस्तों।
तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट वायरिंग हो गया दोस्तों स्विचिंग से, और इसमें कुछ रहा नहीं दोस्तों, बस इसमें दोस्तों आपको दो तार जाएगा मेन तार, और मैं तार दे के जो दोस्तों आप आराम से यूज कर सकते हैं दोस्तों। आप इधर से भी निकाल सकते हैं दोस्तों, यानी तो ऊपर से भी निकाल सकते हैं सर दोस्तों। तो आप आराम से जो है इसमें नट टाइट करके आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और किस टॉपिक पे वीडियो बनाओ ये भी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।